नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम चार्जरों के बारे में बात करेंगे। क्या होता है फोन के साथ के जो चार्जर होते हैं, खो जाता है, गुम हो जाता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाता है, तो बाहर से हम चार्जर परचेज करते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है कि चार्जर कौन सा परचेज करें कौन सा नहीं करें। इसी विषय पे हम बात करेंगे, देखते हैं हम कौन सा चार्जर अच्छा रहेगा हमारे फ़ोन के लिए कौन सा नहीं रहेगा। डैश चार्जिंग के लिए बेसिकली चार्जर हमें अच्छा ही कंपनी का यूज़ करना चाहिए। पोट्रोनिक्स है, पोट्रोनिक्स काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसका 33 वाट का चार्जर है डैश चार्जर। आज हम उसी के बारे में बताएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह है हमारे पास पोट्रोनिक्स का चार्जर, 33 वाट मैक्स आउटपुट चार्जिंग के साथ आता है। आज हम इसी चार्जर के बारे में बात करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या। PD मैच चार्जर 33 वाट मैक्स आउटपुट देगा ये आपको। मिनी मल्टी डिज़ाइन के साथ है और ये निस्टेल पोर्ट्रेट चिप के साथ है, काफ़ी अच्छा है, इंडियन ब्रांड है। 1 ईयर की वारंटी देगा आपको, 1 ईयर वारंटी के साथ है, प्लस इंडियन ब्रांड है, सबसे अच्छी बात इंडियन ब्रांड है। और काफ़ी हेल्पफुल चार्जर है, फास्ट चार्जिंग के साथ है। इन ए मैनी मिनी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, मिनिमल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा चार्जर है। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा रहने वाला चार्जर है ये। चलिए देखते हैं ये डैश चार्जर कैसे रहने वाला है। काफ़ी अच्छा चार्जर लग रहा है देखने में, अंदर से कैसे लेने वाला है। और हाँ दोस्तों, हमेशा चार्जर अच्छी कंपनी के ही परचेज करने चाहिए ताकि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका बैटरी बैकअप भी बरकरार रहे, क्योंकि बैटरी बैकअप बहुत जल्दी असर डालता है चार्जिंग से। चार्जिंग आपके फ़ोन की ख़राब होगी तो बैटरी बैकअप पे साफ साफ असर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चार्जर अच्छी ब्रांड के लेने चाहिए। देखें आप पोट्रोनिक्स की ब्रांडिंग के साथ है और इस पे साफ लिखा हुआ है 33 वाट का फास्ट चार्जर है, काफ़ी अच्छा है, जो कि C2C और USB के साथ अवेलेबल है। यहाँ पे दो पोर्टेबल आपको देखने को मिलेंगे, C2C और USB, काफ़ी अच्छा चार्जर है 33 वाट का। और देखते हैं साथ ही इसके साथ साथ कि ये डैश चार्जिंग कर पाता है या नहीं। और हाँ दोस्तों, हमेशा चार्जर अच्छी कंपनी के ही परचेज करें, उससे बैटरी बैकअप पे आपके पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए अच्छा चार्जर लें। चलिए हम टेस्ट करते हैं ये बुक फ्लैश कर पाता है या नहीं। 33 वाट का बुक फ्लैश चार्जर लगाएंगे यहाँ पे और देखते हैं दोस्तों कि बुक फ्लैश कर पाता है या नहीं 33 वाट, क्योंकि अक्सर चार्जर खो जाते हैं तो लोगों को परेशानी आती है कि बुक फ्लैश करता है या नहीं। और यहाँ दोस्तों, आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये बुक फ्लैश चार्जिंग शो कर रहा है, आप देखना है ये बुक फ्लैश चार्जिंग शो करेगा। हमने यहाँ पे चार्जिंग केबल लगाई और ये बुक लिखा हुआ आ गया है साफ साफ, ये अब बेस्ट चार्जर है, यहाँ पे बुक फ्लैश चार्जिंग कर लेगा, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा चार्जर है। और हाँ दोस्तों, इस अगर आपके पुराने वाले चार्जर के साथ USB केबल है तो ठीक है, वरना ये पोट्रोनिक्स की ही 65 वाट की डैश 2 केबल है, बहुत प्यारी केबल है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम ही चार्जिंग दिखाएगी। अगर आपका पुराना केबल है अडैप्टर के साथ का तो आप खाली अडैप्टर परचेज कर सकते हैं, वरना आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी चार्जिंग बहुत अच्छी निकालता है, इंडियन ब्रांड है ये भी, इसकी भी 6 मंथ वारंटी मिलेगी आपको। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।